हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वय इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th की जो फिजिक्स के चैप्टर मोशन है, गति, उसकी बात करेंगे। उसके फर्स्ट वीडियो को बनाने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट वीडियो में क्या बोलता है, मोशन है ना, यानी गति की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं विराम क्या होता है। विराम और गति की बात करेंगे, मोशन जो है विराम और गति दोनों पद अपेक्षिक है, इसकी बात भी करेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन समय के साथ है ना, या अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। सिंपल सी बात, अगर किसी चीज का पोजीशन, जैसे ये पेन है, इसका पोजीशन टाइम के साथ अभी चेंज नहीं कर रहा है तो ये अभी विराम में है, रेस्ट में है। या हम ये बोल सकते हैं कि इस पेन का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, इस पेपर के साथ चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ इस पेपर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो ये पेन कैसा है, विराम में है। अगर किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ या किसी वस्तु के साथ अपेक्षा चेंज नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विराम में बोलेंगे। और गति क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। ठीक है, उस वस्तु को कैसा बोलेंगे, गति में कहेंगे। अब गति और विराम जो है ना, दोनों अपेक्षिक शब्द है। कैसे है सोच देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा व्यक्ति रेलगाड़ी के या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में। अगर कोई आदमी रेलगाड़ी के अंदर है तो उसको जो बाहर से देख रहा है उसके लिए वो कैसा है, गति में है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ है उसके लिए बगल वाला व्यक्ति कैसा है, विराम में है। किंतु उस डिब्बे की अपेक्षा वो विराम में है। अतः जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु विराम या गति है उनको बताना आवश्यक है। हमने बताया ना कि ये जो पेन था वो इस पेपर की अपेक्षा रेस्ट में था, विराम में था, तो हम जिसके तुलना में बताएंगे उस वस्तु को बताना जरूरी है कि ये जो पेन है ये पेपर की अपेक्षा विराम में है ना। तो अपने को ये बताना जरूरत पड़ेगी कि किसके अपेक्षा रेस्ट में है, किसके अपेक्षा विराम में है। ठीक है, तो इसीलिए विराम और गति दोनों एक दूसरे के अपेक्षिक पद हैं। ठीक है, अब हम लोग गति के प्रकार की बात करते हैं। पहला है रैखिक गति, जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चलती है तो इसे अपेक्षिक गति इसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली, ये कैसे है, रैखिक गति। अभी ये देखिए, ये भी एक रैखिक गति है, मतलब अगर एक सीधा मूव कर रहा है, इस सरल रेखा में मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रैखिक गति के उदाहरण है। दूसरा बात करते हैं वृत्तीय गति, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सारे वृत्तीय गति है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। तीसरा है डोलनी गति, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, है ना, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे डोलन करती है। जैसे झूले की गति, झूला क्या करता है, आगे पीछे करते रहता है। ठीक है, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, वो हमेशा ऐसे ऐसे करते रहता है। तो हमारा दीवार घड़ी के जो पेंडुलम है उसकी गति भी डोलनी गति के उदाहरण है। ठीक है, सिलाई मशीन का सुई, ये भी डोलनी गति है, नहीं डोलनी गति नहीं होगा, ये हमारा आवर्ती गति हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आवर्ती गति की बात करते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपने गति को समय के एक निश्चित अंतराल पर दोहराती है। किसमें, आवर्ती गति में वस्तु अपने गति को एक समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। जैसे झूले की गति है ना, ये तो आवर्ती है, बार बार दोहराती है, और सिलाई मशीन के सुई की गति, ये हमारा आवर्ती गति के उदाहरण है। चलिए अब सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। ठीक है, तो किसी कण की स्थिति बताने के लिए अपने को एक मूल बिंदु बताना। जैसे यहां से बोलेंगे कि मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की दूरी अगर अपने को 80 किलोमीटर है तो मोतिहारी का एक मूल बिंदु बताना पड़ेगा कि कहां से, किस पॉइंट से वो 80 किलोमीटर दूर है। तो मूल बिंदु बताना जरूरी है। किसी सरल रेखा पर किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए
हमें इस रेखा पर एक कोई मूल बिंदु चुनना होगा और दूसरा मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, तो बोलेंगे मूल बिंदु से 5 मीटर इधर पूरब की तरफ। और हम जब भी कॉपी में बात करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब और बायां पश्चिम हो जाएगा, है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, याद रखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कॉपी हमारा 2D प्लेन होता है, तो यहाँ पे ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब और बायां पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मूल बिंदु तो समझ गए, अब हम दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। दूरी क्या है, देखिए यहां से प्रारंभिक बिंदु है और यहां से यहां है। ठीक है, अब क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है मूल बिंदु, तो यहां से यहां जाना है, तो ये हमारा यहां से यहां जाने के लिए अपने को बहुत सारे रास्ते है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता और भी रास्ते हो सकते हैं। तो जो पूरा घूम के गए इधर से, वो हमारा दूरी होता है, क्योंकि दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं है, सिंपल सी बात, दूरी में दिशा की बात नहीं करेंगे, लेकिन विस्थापन के लिए हम दिशा की बात करेंगे, एक निश्चित दिशा में जाएंगे। तो दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ से A से स्टार्ट किया, B आया, B से C आया, C से D आया, तो कुल दूरी कितना हुआ, 2 + 4 + 5, तो 11 मीटर। इसमें हमको दिशा की ज्ञान नहीं है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होगा, और यह एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें दिशा ज्ञान नहीं है, अगर दिशा और परिमाण दोनों हो जाएगा तो सदिश राशि हो जाएगा। अब आइए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसकी विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी। यहां से यहां तक जो है वो न्यूनतम दूरी कौन होगा, जो इसका सीधा पाथ जाएगा, है ना, ये इसका न्यूनतम दूरी है, तो ये विस्थापन कहलाएगा। मान लीजिए ये पाथ ए है और यहां से यहां आ गए अर्धवृत्ताकार पाथ पर, तो इसका जो विस्थापन बनेगा ये बनेगा। अगर मान लीजिए इसका त्रिज्या आर है, तो हमारा विस्थापन इस कंडीशन में कितना बनेगा, 2R बन जाएगा। तो यह एक सदिश राशि है और इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, दूरी का भी ये देखिए, विस्थापन भी क्या है, एक दूरी ही है, बट एक दो बिंदु के सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा पाथ जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन कहलाता है। जबकि दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं है, दिशा दूरी जहां से भी घूम के जैसे भी पहुंच जाइए उस बिंदु पर, वो हमारा दूरी होगा। तो दूरी में दिशा की बात नहीं करते हैं, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन में दिशा की बात करते हैं, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।